हाँ बाबू लोग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लेक्चर 1 पूरा देख लिया होगा, समझ आ गया होगा। आज हम लोग लेक्चर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस। ध्यान होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी कंटेनर में, किसी बॉक्स में अगर गैसेस हैं तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैंडम मोशन में होंगे, और वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच भी कोलिजन हो रहा होगा, वॉल के साथ भी कोलिजन हो रहा होगा। तो जो मॉलिक्यूल और वॉल के बीच जो कोलिजन होता है उसकी वजह से उन दोनों के बीच फोर्स एग्जर्ट होंगे, और उस फोर्स की वजह से कुछ प्रेशर एग्जर्ट होता है। दैट प्रेशर वी हैव टू कैलकुलेट। तो यहाँ देखें एक बात और, हम लोग अभी ये जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो डेरिवेशन थोड़ा लॉन्ग होगा, है ना। एंड एक ही डेरिवेशन बहुत सारे नए नए टर्म भी आएंगे, तो जैसे जैसे टर्म आते जाएंगे वो सारे को धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर हम लोग IIT JEE एडवांस की बात करें तो उसमें सिर्फ फॉर्मूला याद रहने से काम नहीं होता, उसमें हमें डेप्थ का नॉलेज भी चाहिए होता है। डेरिवेशन भी अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है ना, तो इसलिए हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेट, समझने की कोशिश करें। हम लोगों ने यहाँ पे एक क्यूबाइडर बॉक्स ज्यूम करा है, जिसमें ये लेंथ ए है, दिस लेंथ इज बी एंड दिस लेंथ इज सी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो रैंडम मोशन फॉलो कर रहे होंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का अलग अलग स्पीड होगा सेम मोमेंट में। हमने मान लिया किसी एक पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हमने कंसीडर करा जो कि हमने शो करा है, इसका स्पीड कुछ भी रहा है ना, कुछ वेलोसिटी भी हमने मान लिया। अब ये रैंडम मोशन की वजह से किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट जहाँ भी उसका एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा एंड जेड कंपोनेंट होगा। एक्स कंपोनेंट एक्स माना, वाई कंपोनेंट वी वाई माना, जेड कंपोनेंट वी जेड माना, ठीक है। यहाँ पे अगर इसे हम लोग वी को लिखना चाहें तो वी को लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वी इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। रूट को अगर लेफ्ट साइड कर लें तो क्या मिल जाएगा हमें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ऐसा मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखने जा रहे हैं जो हम लोग मैकेनिक्स में पढ़े हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अगर बात करें। एक्चुअली ये जो भी बतलाएंगे उसका यूज हम लोगों को इसके डेरिवेशन में आएगा, है ना, इसके डेरिवेशन का किसी एक स्टेज में आएगा। तो उस पॉइंट को हम लोग उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। आपको ध्यान होगा हम लोगों ने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी पी इक्वल्स टू एफ डी टी, अगर इसे इंटीग्रेट करा जाए। तो यहाँ डी के साथ पी है तो पी का लिमिट हमने लिया इनिशियल मोमेंटम टू फाइनल मोमेंटम, और यहाँ पे इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम। यहाँ डी पी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर इस फोर्स वेक्टर को हम लोग क्या मान लें, कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर किया जा सकता है, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, दैट इज अगर उसे इंटीग्रेट करते हो तो आपको मिलेगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। दिस इज रिटन एज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। And here we can write delta t. This implies that F is equal to delta p by delta t. एक बात और ध्यान रखें, ये जो फोर्स होता है दिस इज एक्चुअली एवरेज फोर्स। एक्चुअली क्या होता है, एवरेज फोर्स होता है। ये जो कॉन्स्टेंट हम लोग मानते हैं वो एक्चुअली एवरेज फोर्स होता है।
तो इसे आप नोट कर लेना कहीं पे, ये हमें यूज में आने वाला है डेरिवेशन में, ठीक है ना। क्या यूज में आने वाला है? ये डेरिवेशन नहीं, ये रिजल्ट यूज में आएगा। एवरेज फोर्स और दिस कॉन्स्टेंट फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा पी। जहां पे भी आप नोट करोगे वीडियो को पॉज कर लेना, आप आसानी से नोट कर सकोगे। अब यह ध्यान दें, हमारे पास यहाँ ये रिजल्ट आ चुका है, हमें फाइंड आउट करना है कि कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो उस प्रेशर के लिए हमें पहले फोर्स चाहिए, फोर्स के लिए चेंज मोमेंटम चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। ये जो ए बी सी डी वॉल है, ए बी सी डी है, इस वॉल को अगर हम लोग यहाँ पे सोच लें, दिस इज द वॉल ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ये स्पीड से, इसका एक्स कंपोनेंट एक्स, वाई कंपोनेंट वाई, एंड जेड कंपोनेंट भी जेड, ठीक है। ये इस तरह से आया होगा। अभी कोलाइड करके कहाँ गया होगा, जब ये हिट किया होगा इस वॉल को, तो ये वॉल इस मॉलिक्यूल पे एक कोलिजन फोर्स को रिजल्ट वजह से एक फोर्स अप्लाई करा होगा। बट कौन से डायरेक्शन में अप्लाई करा, नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब इन एक्स डायरेक्शन, है ना। एक्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करा तो वाई मोशन और जेड मोशन जो मॉलिक्यूल का वो अफेक्टेड नहीं होगा। सिर्फ कौन अफेक्टेड होगा, एक्स मोशन, और वो किस तरह से अफेक्टेड होगा, तो ध्यान होगा जो भी कोलिजन होते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच हो या फिर वॉल और मॉलिक्यूल के बीच हो, जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है। तो अगर वो एक्स मोशन की हम लोग बात करें तो भी एक्स स्पीड से राइटवर्ड जा रहा था, तो आफ्टर कोलिजन वो भी एक्स स्पीड से लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा और वाई और जेड जैसे है वैसे रहेगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये कोलिजन के बाद इस तरह से आया है, इस तरह से कोलिजन को बना रहा होगा। y कंपोनेंट जो पहले था वही रहेगा, z कंपोनेंट जो पहले था वही रहेगा, और x कंपोनेंट पहले vxy कैप था, अब नेगेटिव x डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखें कि जो कोलिजन हुआ, चेंज इन मोमेंटम की अगर बात, तो पहले हमें लिखना होगा कोलिजन के पहले कितना मोमेंटम था, कोलिजन के बाद कितना मोमेंटम था। यहाँ लिखे जा रहे हैं कोलिजन के पहले मोमेंटम कितना था, मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन, पी आई दैट इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या लिखेंगे, एक सिंगल पार्ट के लिए इसका मास हम लोगों ने मान लिया स्मॉल एम, और एम इंटू वी आई, वी आई क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जे के कैप, ऐसा लिख सकते हैं। और मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन क्या लिख सकते हैं, एम इंटू फाइनल वेलोसिटी, तो एम इंटू जो वी एक्स आई कैप के साथ था, अब वो वी एक्स माइनस आई कैप के साथ होगा, मतलब माइनस वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो यहाँ से आप देख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम क्या होने वाला है, दिस माइनस दिस करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस टू इन वी एक्स आई कैप, है ना। ये एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम इतना हुआ। अब अगर हम लोग बात करें टाइम इंटरवल का, इतना मोमेंटम चेंज होने में कितना टाइम लगा होगा, ये कैसे पता करेंगे, तो ध्यान दें इस वॉल के साथ कोलिजन हुआ है, अब दोबारा कोलिजन कब होगा, जब यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से कोलाइड करके यहाँ जाएगा, तब इस वॉल के साथ अगेन कोलिजन होगा, है कि नहीं। तो सेम वॉल के साथ दो लगातार कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा, वो टाइम इंटरवल क्या लिख सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे इरेज करने जा रहे हैं, अभी रहने दीजिए। हाँ भाई, तो देखो
टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विथ द सेम वॉल एबीसीडी, कितना टाइम लगा होगा? डेल्टा टी मान लिया, डेल्टा टी इक्वल क्या लिखा है? ये मान लो यहाँ कोलिजन हुआ, तुम्हारा कोलिजन कब होगा? यहाँ जाना, ये जाने में कितना टाइम लगेगा? ए बाई एक्स, फिर वहां से लौट के आएगा तब अगेन कोलिजन होगा प्लस ए बाई बी एक्स, जाने का टाइम और ये रिटर्न होने का टाइम, इतने टाइम में नेक्स्ट कोलिजन होगा सेम वॉल के साथ, कितना मिल गया टू ए बाई बी एक्स। यहाँ से हेंस फोर्स इक्वल क्या रखा, फोर्स या कर लो एवरेज फोर्स क्या लिखें, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी रहा माइनस टू एम बी एक्स फाइव एन बाई टाइम हो गया 2a by bx, 2 कैंसिल होगा तो यहाँ से हमें मिलेगा एवरेज फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम बी एक्स स्क्वायर, ये एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए बाई क्यू, ये वेक्टर फॉर्म में मिला। अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें ये होगा एम एक्स स्क्वायर बाई ए, पर ध्यान रखिए ये जो फोर्स मिला है ये मिला है ड्यू टू अ सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से फोर्स मिला है। और ये ध्यान रखना ये जो एम है ये एम क्या है, मास ऑफ अ करने से आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग ये मान लें कि ऐसा ऐसा, ये तो हमने एक कोलिजन की वजह से फाइंड आउट करा, अगर ऐसा ऐसा टोटल कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल की वजह से इतना फोर्स होगा, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से कितना फोर्स होगा? या ध्यान दे क्या ये जैसे जो भी एन कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सभी का मास सेम होगा, चूंकि सारे आइडेंटिकल होते हैं है ना, जंक्शन का आधार ए सबके लिए सेम होगा, बट वी एक्स अलग अलग होगा, वी एक्स वन वी एक्स टू वी एक्स थ्री वी एक्स फोर इस तरह से। तो अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ ये टोटल फोर्स फाइंड आउट करें तो क्या लिख सकते हैं, टोटल फोर्स इसके बाद देखते हैं है ना, ये जिम करने के बाद देखते हैं टोटल फोर्स क्या लिखे, एक सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से आया था एम बी एक्स स्क्वायर बाई ए रिजल्ट आया था, आपने नोट कर रखा है, तो इस तरह से लिखेंगे एम बी एक्स बी एक्स वन स्क्वायर बाई, मतलब एम बाई ए तो सभी में सेम रहेगा, बस होगा क्या बी एक्स वन स्क्वायर बी एक्स टू स्क्वायर इस तरह से आते जाएगा सामने, तो एम बाई तो सामने कौन होगा, ये मिलेगा एम बाई होगा बी एक्स वन स्क्वायर प्लस बी एक्स टू स्क्वायर एंड सो ऑन इस तरह से मिल जाएगा। ये जो टोटल फोर्स से हमने बोल दिया एफ, अब यहाँ से अगर हम लोग कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दिया एंड कैपिटल एन से डिवाइड कर दिया, ये जो एक्सप्रेशन है ये इसे क्या लिख सकते हैं, ये क्या है,
एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसके स्पीड का स्क्वायर का सम है और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब ये एवरेज वैल्यू, बट किसका एवरेज वैल्यू है, दिस इज द एवरेज ऑफ, मतलब मीन वैल्यू ऑफ, मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। इसे हम लोग लिखते हैं एफ इक्वल टू, ये जो एम इक्वल है, ये सिंगल पार्टिकल का मास है या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, टोटल मास हो जाएगा टोटल मास बाय ए इनटू, ये जो इतना आप देख रहे हैं इसे लिखा जाता है इस तरह से, दिस इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसका मीन, उसका स्क्वायर का मीन वैल्यू। इसको हम लोग आगे कुछ देर बाद कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि ये सब कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया जाए, हाँ इसमें इसको अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक रिजल्ट आपको ध्यान रखना होगा, इससे पहले कुछ मान लिया जाए फर्स्ट एक रिजल्ट है ड्यू टू रैंडम मोशन हम लोगों ने जो करा, एक्चुअली ड्यू टू रैंडम मोशन मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन, तीनों क्या होता है इक्वल। बट एक वर्ड यहाँ पर और भी ध्यान रखना होता है, ये सिर्फ रैंडम नहीं, यहाँ पे एक आइसोट्रॉपिक वर्ड होता है, अगर ये आइसोट्रॉपिकली रैंडम मोशन हो तो ये तीनों डेटा इक्वल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे नोट वगैरह, हाँ तो हमारे पास ध्यान दे, यहाँ लिखे एक रिजल्ट है जो कि हमें यूज करना होगा। जैसे बहुत सारे पार्टिकल से अगर फर्स्ट पार्टिकल की बात करें तो अभी ध्यान होगा हमने जो रेज करा वहाँ पे लिखा हुआ था वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, इन जनरल किसी भी पार्टिकल के लिए। अगर फर्स्ट पार्टिकल के लिए बात करें तो लिखा जा सकता है वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी वाई वन स्क्वायर प्लस वी जेड वन स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड पार्टिकल के लिए वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स टू स्क्वायर प्लस वी वाई टू स्क्वायर प्लस वी जेड टू स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर इन सभी को ऐड किया जाए तो क्या मिलेगा, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से इसे सिग्मा के फॉर्म में लिखा जा सकता है सिग्मा वी स्क्वायर इक्वल टू से लिख सकते हैं सिग्मा वी एक्स स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं सिग्मा वी वाई स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं सिग्मा वी जेड स्क्वायर, है ना। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहाँ पर ध्यान दें, अगर इसमें हम लोग कैपिटल एम डिवाइड करते हैं पूरे में इक्वेशन तो बैलेंस रह जाएगा, और ये क्या हो गया वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर इस तरह से डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब ये तो बन गया मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। इसे देख सकते हैं इतना मीन स्क्वायर स्पीड, आगे लिख सकते हैं इसी तरह से ये एक्स डायरेक्शन में लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। एंड यहाँ इक्वेशन सेकंड से ये तीनों इक्वल है,
is 3 times हो जाएगा. This implies that this implies that अच्छा लिख सकते हैं. अब यहां ध्यान दें, अगर इस रिजल्ट को हम लोग इस इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर लें तो क्या मिलेगा रिजल्ट? टोटल मास वाई ए और इनटू में दिया जाएगा. यहां पे हम लिख सकते हैं यूज इन फर्स्ट, फर्स्ट में यूज करेंगे. यहां पे था टोटल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास बाई ए इंटू मेन स्क्वायर स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, जिसे लिख सकते हैं 1/3 मेन स्क्वायर स्पीड, ऐसा लिख सकते हैं. नाउ जब फोर्स मिल चुका है, एक बताओ ये जो फोर्स मिला है जिसे दी परपेंडिकुलर फोर्स टू दी वॉल, वॉल के परपेंडिकुलर का फोर्स है क्योंकि वॉल ने वॉल के परपेंडिकुलरली अप्लाई करा था, तो वॉल के भी वॉल पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई किया. नाउ हम लोग प्रेशर पी इक्वल्स टू क्या पढ़े हैं, एफ परपेंडिकुलर बाई ए. This implies that pressure को एक perpendicular हो गया, total mass by 3a into minus square speed divided by area, area ball of area of fourth line b or c to bc. यहाँ पे ये total mass क्या लिख सकते हैं, टोटल मास बाय वॉल्यूम ए बी सी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल्स टू 1/3 मास बाय वॉल्यूम को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू मीन स्क्वायर स्पीड. तो ये हमें मिला प्रेशर, है ना. अगर हम लोग थोड़ी सी और भी आगे बात करें, इसे नोट कर लेना, इसको आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ध्यान दें ये जो रिजल्ट है मीन स्क्वायर स्पीड, इसे हम लोग लिखते हैं, ध्यान दें इसके बाद यहां पे लिख रहे हैं प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 रो ही आरएमएस स्क्वायर, ऐसा. इसे हम लोग लिखते हैं v rms स्क्वायर, दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर. इसको समझते हैं कि आखिर ये जो मीन स्क्वायर स्पीड है आरएमएस स्पीड का स्क्वायर है, ये है क्या, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ना. तो यहाँ पे नोट कर लें और इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. और इसे हम लोग इक्वेशन ए मान लें, याद है कुछ एग्जांपल के आधार पर समझते हैं. जैसे देखें, मान लो कोई नंबर x है और x का जो वैल्यू है इस तरह से 1, 2, 3, 4, 2, 5 सपोज ऐसा है, ठीक है, इतने सारे नंबर्स. अगर हम लोग यहाँ पे ये फाइंड, दिस इज मेन वैल्यू ऑफ एक्स, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स, क्या लिखेंगे इसे, 1+2+3+4+2
टू प्लस फाइव डिवाइड बाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, जो भी आ जाए सॉल्व करके कितना आएगा, वन टू थ्री, थ्री थ्री सिक्स, फोर टेन एंड सेवन सेवेंटी सेवेंटी बाई सिक्स, दिस इज द मेन वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हम लोग बात करते हैं इसके मीन, इसका मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स इसे कैसे लिखें, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर जो है उसका मीन लेना है, तो पहले तो अभी देखो कि उन सभी वैल्यूज का स्क्वायर क्या हो, यहाँ पे वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर, टू स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, मीन फाइंड आउट करने करने के लिए क्या किया जाता है, सभी का एडिशन है ना, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स जो कि सिक्स, तो ये सॉल्व करके कुछ आएगा, जो भी आएगा वही हमारा वैल्यू, ये बस तरीका बतला रहे हैं कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम लोगों को बोला जाए एक्स आर्म्स, पहली बात ये है कि आर का मतलब है रूट, एम का मतलब है मीन, और एस का मतलब है स्क्वायर। आरएमएस वैल्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, इसमें उल्टा काम करते हैं, उल्टा कहने का मतलब पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है, फिर रूट लेना है, जैसे स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर, टू स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, स्क्वायर का मीन लेना है, स्क्वायर का मीन हो या किसी का भी मीन, मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, पहले एडिशन फाइंड आउट, एडिशन ये तो हो गया स्क्वायर का सब, मीन के लिए डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया स्क्वायर का मीन है ना, अब क्या लेना है रूट, तो आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये तो ये मतलब इस है ना, इसका मतलब ये हुआ हम लोग इसे लिख क्या सकते हैं अंडर रूट ऑफ इस है कि नहीं, और अगर इस रूट को यहाँ कर दें तो एक्स आर में इसका स्क्वायर बन जाएगा, इसी रिजल्ट को हमने यूज करा था, मीन स्क्वायर स्पीड था उसको हमने रिप्लेस करा था वी आर एम एस स्क्वायर से, क्योंकि मीन स्क्वायर का वैल्यू रूट जब यहाँ आएगा तो ये इस पर स्क्वायर आ जाएगा है, तो मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू वी आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा है ना, इस तरह से इसको नोट कर देना, ये तो हमने एग्जाम्पल समझा है। तो हमारे पास रिजल्ट है आया था P इक्वल्स टू वन बाई थ्री रो वी आर एम एस स्क्वायर है ना, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वी आर एम एस स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट लिखा है वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट थ्री पी बाई रू, ऐसा लिखा जा सकता है। तो आर एम एस स्पीड का एक ये भी फॉर्मूला होता है अंडर रूट थ्री टाइम्स ऑफ पी बाई रू, ठीक है, तो हम लोग इस पर और भी बहुत सारे, ये तो सिर्फ डेरिवेशन था, डेरिवेशन में जो रिजल्ट आया है दिस इज इम्पोर्टेंट, इसके आगे अब जो भी होगा वो मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, जो कि हम लोगों को न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे है ना, तो हम लोग इसके बाद और भी पढ़ेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में, आज सिर्फ डेरिवेशन तक ही रहने दिया जाए, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो अभी दोनों लेक्चर से मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट होगा, अभी सिर्फ हम लोग एक तरह से कहा जाए तो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, बट अब जो आगे पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन नहीं होगा, वो एप्लीकेशन होगा है ना, जिससे क्वेश्चन हम लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है।
है, तो आगे का जो लेक्चर होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। एंड ये जो भी हम लोग लेक्चर पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, आगे पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इन सभी से रिलेटेड आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड होगा। बट पहले हम लोग कुछ और आगे दो से तीन लेक्चर जब हम लोग और पढ़ लेंगे तो फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए सीट भी प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।